दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के सरकार द्वारा किए जा रहे कामों को रोकने के लिए जो काम रोको अभियान चला रही है पिछले कई सालों से, भाजपा का काम रोको अभियान धीरे धीरे अब अपने चरम की तरफ अग्रसर हो रहा है। दिल्ली ही नहीं, पूरा देश जानता है, पूरे दुनिया के अंदर आज दिल्ली की चर्चा होती है। उसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि पूरे देश के में जो सरकारी शिक्षा तंत्र धीरे धीरे पूरी तरह से पैरालाइज होता जा रहा है, जब लोगों ने यह मान लिया था कि सरकारी स्कूल ठीक नहीं हो सकते, सरकारी स्कूलों में मजबूरी में अपने बच्चे लोग भेजने की मना स्थिति में पहुंच गए थे, उस समय दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार ने 360 डिग्री इस सोच को बदला, और न सिर्फ सोच को बदला बल्कि दिल्ली के अंदर इस बात को हकीकत में सच करके दिखाया कि सरकारी स्कूल जहां पर आम तौर पर गरीबों के बच्चे बच्चियां पढ़ने जाते हैं वो सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से बेहतर बन सकते हैं, बेहतर शिक्षा मिल सकती है, बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। और जो सरकारी स्कूलों में परिवर्तन की जो खुशबू है, देश की राजधानी दिल्ली से पैदा हुई, वो खुशबू ना सिर्फ देश में फैली बल्कि उसकी खुशबू पूरे दुनिया ने महसूस किया। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि दिल्ली के अंदर जब अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं, केंद्र सरकार उनको बुलाती है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी ये इच्छा व्यक्त करती हैं कि हमें दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल देखना है। क्यों देखना है? आज तक तो दुनिया के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष और किसी भी विदेशी प्रतिनिधि ने आकर के भारत के किसी राज्य के शिक्षा व्यवस्था को देखने की, स्कूलों की देखने की तो इच्छा नहीं व्यक्त की, क्योंकि दिल्ली के अंदर पूरी दुनिया जिस सरकारी शिक्षा व्यवस्था के चैलेंज से जूझ रही है, दिल्ली ने उसका एक समाधान दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी अपने काम रोको अभियान के तहत दिल्ली के अधिकारियों पर मानसिक दबाव बना करके, कंट्रोल करके इस पूरे शिक्षा व्यवस्था को तहस नहस करने के अभियान में लग गई है, जिसका सबसे बड़ा जीता जागता प्रमाण सामने आया है, बिना किसी तथ्य के, बिना किसी अवलोकन के, बिना किसी मार्किंग के, एक साथ दिल्ली के रातों रात 5,000 टीचर्स को उठा करके दूसरे स्कूल में फेंक दिया गया। एक लाइन के आधार पर 11 जून को शिक्षा विभाग के अधिकारी आदेश निकालते हैं कि कोई भी शिक्षक जो एक स्कूल में 10 साल से ज्यादा से पढ़ा रहा है उसको उठा करके वहां से फेंक दिया जाएगा। मेरी हाथ जोड़ करके भाजपा के नेताओं से विनती है, एलजी साहब से हमारी गुजारिश है
कि आप भाजपा के काम रोको अभियान का हिस्सा बन करके दिल्ली के बच्चों के भविष्य पर लात मत मारिए। इस ट्रांसफर को तुरंत रोका जाए और जो चारों तरफ से आवाज उठ रही है कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग भ्रष्टाचार के लिए किया गया है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग इसलिए शुरू किया गया है कि इसमें पैसा खाया जा सके, इसको तुरंत रोका जाए और इस पर तुरंत जांच बिठाई जाए, जो भी इसके लिए दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। ये निवेदन आम आदमी पार्टी का केवल नहीं है, ये दिल्ली के केवल शिक्षकों का नहीं है, ये दिल्ली के उन हजारों हजार बच्चों और उनके परिवारों का है। प्लीज, सब कुछ आप रोक रहे हो, कम से कम बच्चों के भविष्य को तो मत रोको। बहुत मुश्किल से यह काम दिल्ली ने हासिल किया है, बहुत मुश्किल से हासिल किया है। प्लीज, देश के इन बच्चों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ ना करें, इसको तुरंत एलजी साहब हस्तक्षेप करके इसको रोकें और जो भ्रष्टाचार का आरोप लग रहे हैं इसकी तुरंत निष्पक्ष जांच किया जाए और जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।